झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो में हत्या करने वाले आरोपी का रहा आपराधिक इतिहास। भतीजी की शादी के बाद होगा पप्पू के शव का पोस्टमार्टम। मानगो के उलीढ़ी थाना क्षेत्र बिरसा चौक पर पुराने आदब के कारण अनूप कुमार सुरेखा उर्फ पप्पू मरवाड़ी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित सनातन लोहार से पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई कि उसकी गतिविधि आपराधिक रही है। कई अपराधियों से उनके संपर्क में परसुडी थाना से वह जेल जा चुका है। हलुदबुनी कोचागुली का रहने वाला है। उसने बताया कि वह हत्या घटना में अकेले ही था, उसके साथ कोई दूसरा नहीं था। लोगों की पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल होने पर पुलिस उसे MGM अस्पताल में दाखिल कराया है। यह खबर है रांची से। रांची में गेल के सहयोग से ठोस कचरा का प्रबंधन करेगा निगम, इसी माह मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत। बेहद चुनौतीपूर्ण हालत में रांची नगर निगम की कमान संभालने वाले नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने दावा किया है कि शहर वासियों से मिल रहे सहयोग की बदौलत नगर निगम प्रशासन, नगर विकास विभाग, मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षद साथ मिलकर राजधानी रांची की तस्वीर बदलेंगे। उन्होंने बताया कि रांची में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए झारखंड का नगर निगम विकास विभाग गले के साथ मिलकर निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्य करेगा। यह खबर है दुमका जिला से। लैंपस में धान खरीद न होने से किसान है परेशान। मसलिया के दलाई एवं गमरिया में धान खरीद केंद्र खुलने के बाद भी अब तक किसानों से धान क्रय करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई पाई है। रविवार को मसलिया पश्चिमी क्षेत्र में बने गमरिया धान क्रय केंद्र पर कोई हलचल नहीं थी, जब पूर्वी मसलिया के किसान के लिए दलाई लैंपस में स्थापित धान क्रय केंद्र भी सुनसान पड़ा है। किसानों की नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि मसलिया के कुल 21 पंचायत में लैंपस है, पर धान क्रय के लिए दो ही लैंपस चुना गया है। इसकी वजह से किसान को लैंपस पर पहुंचने में 20 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। किसान का यह भी कहना है कि धान बेचने के लिए निबंध कराने के लिए प्रखंड से लेकर जिले तक चक्कर काटना पड़ रहा है। इनका यह भी कहना है कि निबंध कराने के लिए पश्चात भी सभी समय पर धान क्रय होगा और भुगतान मिलेगा, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। किसानों को प्रति क्विंटल 8 से 10 किलो अतिरिक्त धान देने को लेकर भी चिंता जताया है। पंचायत चुनाव के बहाने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार को गिरा। सरकार के एक साल के कार्यकाल पर जारी होगा आरोप पत्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सरायकेला के दूसरे दिन रविवार को पत्रकार सम्मेलन कर राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। श्री प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 माह पूर्व ही पंचायतों के लिए 15वें वित्तीय आयोग के जरिए राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई है। अब राज्य सरकार पंचायत चुनाव को टालकर अधिकारियों के जरिए इस राशि का बंटवारा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेगी। प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य हेमंत सोरेन सरकार के एक साल पहले होने पर भाजपा आरोप पत्र जारी करेगी, इसमें सभी विभागों पर फोकस होगा। कोरोना काल में भी खुलेगा झारखंड के नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र का स्कूल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला का घोर नक्सल प्रभावित और पिछड़ा इलाका है सरंडा। यहां ठीक से संचार सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, बावजूद इसके यहां बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी। यहां के बच्चों ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं। जी हां, हर दिन स्कूल आते हैं, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई करती है। ओडिशा से बंगाल जा रहे कंटेनर में भरे थे 38 मवेशी, झारखंड पुलिस ने किया जब्त। तस्कर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। ओडिशा से बंगाल जा रहे एक कंटेनर से झारखंड पुलिस ने 38 मवेशी जब्त किया। पुलिस ने तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बरसोल थाना क्षेत्र में जगन्नाथ चौक के पास NH 49 पर 4 दिसंबर की रात को बरहागोड़ा व बरसोल पुलिस ने मवेशी तस्कर गिरोह के कंटेनर को जब्त किया। इस कंटेनर में 38 मवेशी थे। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरसोल थाना में कांड संख्या 69/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना जांच के बाद अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। विगत कई दिनों से बहरागोड़ा क्षेत्र में मवेशी तस्करी तेजी से हो रही थी। कई गिरोह इस गोरख धंधा में जुटे थे। झारखंड के लातेहार में पुलिस और माओवादी के बीच भीषण मुठभेड़। जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली।
लातेहार जिले के बालूमाथा थाना क्षेत्र के जावा बार जंगल में पुलिस और माओवादी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। पुलिस को भारी पड़ा देख माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि पुलिस सर्च अभियान चलाकर माओवादियों को घेरने की फिराक में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी जंगल पहले से ही जमे हुए थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने भी बिना देर किए रवाना हो गया। उसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से माओवादी को घेर लिया। इस दौरान पुलिस को देखते ही माओवादी ने गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भारी पड़ता देख माओवादी अपना जरूरत का सामान छोड़ भाग निकला। अब खबर जाने देश विदेश से। शरद पवार बोले, जल्दबाजी में पास कराए गए कृषि विधेयक, इसलिए सरकार को अब हो रही है समस्या। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि अगर किसान आंदोलन का जल्द हल नहीं निकाला तो देश के अलग अलग हिस्सों के किसान पंजाब हरियाणा किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे, जो गेहूं और धान के मुख्य उत्पादक हैं। बकौल पवार, केंद्र के कृषि विधेयकों को जल्दबाजी में पास कराया, इसलिए अब उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्र के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, अम्बेडकर पुण्यतिथि पर पीएम बोले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते हैं। हम राष्ट्र के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा, करोड़ों गरीबों के जीवन में आत्मसम्मान के उल्लख जगाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन। लगातार पांचवें दिन बढ़ी पेट्रोल व डीजल की कीमतें, दो साल की सर्वोच्चतम दर पर पहुंची। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में रविवार को क्रमशः 28 पैसे लीटर और 29 पैसे लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में लगातार पांचवें दिन बढ़ोतरी होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 83.41 प्रति लीटर और डीजल के 73.61 लीटर प्रति लीटर हो गए हैं। सितंबर 2018 के बाद से पेट्रोल और डीजल की यह उच्चतम दर और 20 नवंबर के बाद 14वीं बढ़ोतरी है। 23 साल बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने की लंबित मामले की सुनवाई, बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसे मामले को बंद किया जिसकी याचिका 23 साल पहले दायर की थी। एक अस्पताल द्वारा एक मां को जन्म के बाद उनकी नवजात शिशु नहीं सौंपने संबंधी इस मामले की पिछली सुनवाई 22 दिसंबर 1997 को हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले के इतने लंबे समय तक लंबित रहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। किसान और सरकार के बीच पांचवें दौर की बैठक खत्म, 9 दिसंबर को फिर होगी बैठक। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ केंद्र सरकार की पांचवें दौर की बातचीत में यह निर्णय लिया गया कि 9 दिसंबर की फिर किसान नेताओं और सरकार के बीच अगले राउंड की बैठक होगी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार 9 दिसंबर को प्रस्ताव देगी, जिसके बाद किसान उस पर चर्चा करेगी और फिर उस दिन बैठक होगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए बिना किसानों को 1 करोड़ देने के लिए दलजीत को सलाम, सिंगला बोले। पंजाब गायक सिंगला ने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि दलजीत दोसांझ ने प्रदर्शनकारी किसानों के सर्दियों के कपड़ों के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए। उन्होंने कहा, दलजीत को सलाम, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए बिना ऐसा किया, किसी को इस बारे में पता नहीं, वरना इन दिनों को 10 दान करने पर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते हैं। धर्मांतरण के इरादे से किया गया कोई भी विवाह अवैध माना जाएगा, एमपी सरकार बोले। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि धर्मांतरण के इरादे में किया गया कोई भी विवाह अवैध माना जाएगा। बतौर सीएम अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो इस मामले में धार्मिक नेता को 1 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार जबरन धर्मांतरण के लिए कानून लाएगी। पश्चिम बंगाल में पुलिस का अपराधीकरण हो गया है। बीजेपी की रैली में बमबारी पर विजयवर्गीय। आसनसोल में बीजेपी की रैली के दौरान हुई बमबारी पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी इसके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, पुलिस का राजनीतिकरण तो देखा है, लेकिन यहाँ पर अपराधीकरण भी हो गया है। बकौल विजयवर्गीय, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस तरह पुलिस और गुंडे दबाने की कोशिश करेंगे तो हम इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, असली किसान खेत में है, कृषि राज्य मंत्री बोले। कृषि आंदोलन पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उन्हें लगता है कि विपक्ष
की ओर कांग्रेस सरकार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, राष्ट्र के किसान इस कानून के पक्ष में है और उनके खेतों में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि असली किसान कानून को लेकर परेशान है। कांग्रेस नेता बोले, महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं तो हमारे नेतृत्व पर टिप्पणी न करें। एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी में निरंतरता की कमी लगती है वाले बयान पर कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता अगर महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं तो वे कांग्रेस के नेतृत्व पर टिप्पणी करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हर किसी को गठबंधन की बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। कृषि कानून के विरोध में धरना देने पर तेजस्वी यादव समेत 18 नेताओं पर केस दर्ज। कृषि कानून के विरोध में पटना में शनिवार को बिना अनुमति सभा करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 18 नेताओं पर नाम दर्ज व 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इस पर तेजस्वी ने ट्वीट किया है, किसानों के लिए FIR क्या, अगर फांसी भी देनी है तो दे दीजिए। आपने सौम्य जन्मदिन से कुछ दिन पहले COVID-19 से उभरी पश्चिम बंगाल की महिला, पश्चिम बंगाल के फुलेश्वर इलाके से 99 साल 11 महीने के भवतारिणी सामंत नामक महिला COVID-19 संक्रमण से उभरी, जिससे बुखार व सांस संबंधी दिक्कतों के बाद 24 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा, हमें खुशी है कि हम उन्हें COVID-19 से मुक्त कर सके और सौम्य दिन जन्मदिन के लिए समय पर घर भेजे पाए। अखिलेश यादव बोले, किसान दिल्ली के पास कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जो हमारे पेट भरते हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा, किसान हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास कड़ाके सर्दी में बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों के लिए मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, सीएम बोले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक राज्य के कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के लिए कोई नियमित कक्षाएं नहीं होगी। उन्होंने कहा, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं कराए जाएंगे और उन्हें परियोजना कार्य के आधार पर आंका जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री, कक्षा 9 और 11वीं की छात्रों को हफ्ते में 1-2 बार बुलाया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।